हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है, दी हुई एपी के प्रथम चार पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित है। इस क्वेश्चन के पांच पार्ट हैं, हम अभी पहला देखेंगे। पहले में क्या कह रहा है कि ए हमको 10 दिया हुआ है और डी भी 10 दिया हुआ है, तो हमने एक एपी के चार पद निकालने हैं। तो हमारे पास क्या है, ए 10 दे रखा है, डी 10, तो हम निकालेंगे A2। A2 निकालने के लिए फॉर्मूला होता है A प्लस डी। ए कितना है, 10 प्लस डी भी 10 इज इक्वल टू 20। A2 क्या आ गया, 20। अब निकालेंगे A3। A3 निकालने के लिए फॉर्मूला होता है A2 प्लस डी इज इक्वल टू, अब A2 हमारे पास क्या आया था, 20, तो 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30। अब निकालेंगे A3 प्लस डी इज इक्वल टू, A3 क्या आया था हमारे पास, 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40। ए पी क्या बन गई, ए हमको दिया हुआ था 10, A2 क्या आया, 20, A3 क्या हमारे पास आया, 30, A4 हमारे पास क्या आया, 40। और यहाँ से आगे अब हम देखते हैं दूसरे का सेकंड पार्ट, जिसमें कह रहा है कि ए हमको दिया हुआ है -2 और डी दिया हुआ है 0, तो हमने ए पी के प्रथम चार पद निकालने हैं। ए -2 दिया हुआ है और डी 0, तो ए तो हमारे पास है ही, तो हम निकालेंगे A2। A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस डी इज इक्वल टू, ए कितना है हमारे पास, -2 प्लस डी 0 इज इक्वल टू क्या है, -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2। A3 निकालने के लिए A2 प्लस डी इज इक्वल टू, A2 क्या आया था हमारे पास, -2 प्लस डी 0 इज इक्वल टू, -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2। फिर निकाल लेंगे A4 निकालने के लिए हमें फॉर्मूला क्या, हमारे पास क्या फॉर्मूला है, A4 निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या, A3 प्लस डी इज इक्वल टू, A3 हमारे पास क्या आया था, -2 प्लस 0 इज इक्वल टू, -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2, तो हमारे पास AP आ गई। A हमको दिया हुआ था -2, A2 आया -2, A3 आया हमारे पास -2 और A4 भी आया हमारे पास -2, और ये कैसे चल, और ये हमारी AP के प्रथम चार पद आ गए। अब हम देखेंगे दूसरे क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, इसमें कह रहा है कि ए हमारे को दिया हुआ है 4 और डी हमारे को दिया हुआ है -3, और हमने निकाले AP के प्रथम चार पद। तो ए हमको दिया हुआ है 4, डी हमारे पास है -3, तो हम निकालेंगे A2। A2 क्या है, A2 का फॉर्मूला ए प्लस डी इज इक्वल टू, A2 का फॉर्मूला हमारे पास A2 इज इक्वल टू ए प्लस डी, तो ये आ गया ए हमारे पास 4 प्लस डी हमारे पास -3 इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस माइनस और ये 3, 4 में से 3 गए 1, तो A2 हमारे पास आ गया 1। A3 का फॉर्मूला A2 प्लस डी इज इक्वल टू, A2 हमारे पास क्या आया था, 1 प्लस डी हमारे पास है -3 इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस माइनस और ये 3, 1 में से 3 गए 2 और -3 बढ़ाया तो निशान माइनस का आ जाएगा। A4 निकालने के लिए
ए थ्री प्लस डी इज इक्वल टू, ए थ्री हमारे पास क्या आया माइनस दो, प्लस डी हमारे पास है माइनस तीन इज इक्वल टू माइनस दो प्लस माइनस माइनस और तीन, कितना हो गया माइनस और माइनस, माइनस माइनस प्लस पर निशान माइनस करेगा, माइनस माइनस प्लस होते हैं और निशान माइनस का रहता है, तो ये क्या होगा दो और तीन पाँच पर निशान माइनस करेगा, तो ये आ गया माइनस पाँच। तो ए पी हमारे पास क्या आ गई, ए हमारे पास आ गया चार, ए टू वन और ए थ्री माइनस टू और ए फोर माइनस फाइव, और ऐसे आगे चलती रहेगी। तो ये हमारी एपी के प्रथम चार पद आ गए। तो अब देखेंगे हम फोर्थ पार्ट, जिसमें कह रहा है कि ए हमें दिया हुआ है माइनस वन और डी दिया हुआ है एक बटे दो। तो ए हमारे पास है माइनस वन और डी हमें दे रखा है एक बटे दो, तो हम निकालेंगे ए टू। ए टू निकालने के लिए ए प्लस डी इज इक्वल टू, ए कितना हमारे पास माइनस एक, प्लस ये डी एक बटे दो, ये कितना हो गया, इसके बटे में एक लगा, दोनों का एलसीएम लेंगे दो, इधर आ गया माइनस दो प्लस एक, कितना हो गया माइनस दो माइनस प्लस माइनस, और निशान किसका रहेगा माइनस का, दो में से एक गया एक और निशान माइनस का, माइनस का एक बटे दो। फिर निकाल लेंगे ए थ्री, ए थ्री निकालने के लिए ए टू प्लस डी इज इक्वल टू, ए टू हमारे पास कितना आया माइनस एक बटे दो, प्लस डी कितना है एक बटे दो इज इक्वल टू, माइनस एक बटे दो से प्लस एक बटे दो कट गया और ये आ गया जीरो। और ए फोर इज इक्वल टू क्या आया ए थ्री प्लस डी इज इक्वल टू, ए थ्री हमारे पास क्या है जीरो, प्लस डी हमारे पास कितना है एक बटे दो, तो ये कितना आ गया जीरो प्लस एक बटे दो एक बटे दो। ए पी हमारे पास क्या आ गई, प्रथम पद था माइनस एक और ए टू हमारे पास क्या आया माइनस एक बटे दो, ए थ्री आया जीरो और ए फोर आया एक बटे दो, और ये आगे से आगे चलती रहेगी। तो ये हमारी एपी के प्रथम चार पद आ गए।